हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। से भारत का वक्त है बिकरू नरसंहार पर सबसे बड़े अपडेट का। 3 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं लेकिन अब तक कुख्यात अपराधी विकास दुबे का पता नहीं चल सका है। घंटे दर घंटे दिन बर दिन बीतते चले जा रहे हैं। विकास दुबे के सिर पर रखे गए इनाम की राशि भी बढ़ रही है। आप सोचिए ना, 90 घंटे में 2.5 लाख रुपए हो चुका है इस पर इनाम, लेकिन विकास लापता है। विकास दुबे की गिरेबान तक पुलिस आखिर पहुंच क्यों नहीं पा रही। अपराधी अगर जो हमारे एरिया से निकल के जा रहा है तो इसको हम 100% पकड़ेंगे। करीब 90 घंटे पहले जिस विकास दुबे के सिर पर 50,000 का इनाम था वो अब 5 गुना बढ़कर 2.5 लाख रुपए हो गया है। यानी वारदात के बाद से हर बीतते घंटे के साथ विकास दुबे के सिर पर करीब 2800 रुपए प्रति घंटे की रफ्तार से इनामी राशि बढ़ रही है। लखनऊ से लेकर नेपाल की सीमा तक और कानपुर से लेकर चंबल की घाटी तक पुलिस ने पहरा लगा दिया है। मुख्यमंत्री खुद बैठक कर रहे हैं पर कुख्यात विकास दुबे पुलिस की पहुंच से दूर है। मुख्यमंत्री का आदेश है पुलिस मुख्यालय से अधिकारी कानपुर जाएं, जब तक विकास दुबे पकड़ा नहीं जाता वही रहे। पुलिस ने विकास की तलाश में 40 टीम बनाई है और एसटीएफ अलग जांच कर रही है। पोस्टर लगा के नाकेबंदी कर विकास को पूरे देश में खोज रही यूपी पुलिस को शक है कि 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी चंबल के बीहड़ या नेपाल की घाटियों में कहीं छिपा हो सकता है। डीजीपी सर ने 2.5 लाख रुपए का इनाम इस पर घोषित कर दिया है और अब इसके पोस्टर्स हर जगह लगाए जा रहे हैं जिसमें इसकी इनाम की धनराशि में फोटोग्राफ जगह जगह चस्पा किया जा रहा है। गिरफ्तारी के लिए 40 थानों की 25 टीमें बना करके गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी है। यूपी नेपाल सीमा के अलावा यूपी एमपी और यूपी राजस्थान सीमा पर भी गश्त बढ़ा दी गई है। हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं। शॉर्ट नोटिस में हम इमीडिएट उसको काउंटर कर सकते हैं। किसी भी तरह का इनपुट आता है तो हेल्प कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं किसी भी एजेंसी। कानपुर उन्नाव के टोल प्लाजा पर पुलिस वाले हाथ में विकास दुबे की तस्वीरें लेकर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। फिरोजाबाद के टूंडला टोल नाके पर विकास के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। अपराधी अगर जो हमारे एरिया से निकल के जा रहा है तो इसको हम 100% पकड़ेंगे। हमारी फोर्स तैयार है। केस की जांच में लगी यूपी एसटीएफ रिश्तेदारों करीबियों टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिरों के सहारे विकास की ओर बढ़ रही है। अब तक मामले में विकास के घर में रहने वाली घरेलू सहायक रेखा और रिश्तेदार क्षमा दुबे समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जब बिकरू कांड में हल्का इंचार्ज दारोगा और 3 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है, उनकी कॉल डिटेल से पता लगा है कि ये सभी विकास के संपर्क में थे।